हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई पोएम माय लास्ट डचेस को एनालाइज करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट जानेंगे और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है बेसिकली उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लिटरेचर की और ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पोएम है ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक रोमांसेस नाम के एक पोइट्री के कलेक्शन में, जो कि 1842 में पब्लिश हुआ था और ये आज के टाइम पे बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है। ठीक है, ये माय लास्ट डचेस इटली में एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड पोएम है। ये अल्फोंसो सेकंड वहाँ का एक ड्यूक था। ठीक है, उसका एक्चुअल ड्रामेटाइजेशन है, उसने किया क्या था कि वो वहाँ का फिफ्थ, फरारा नाम की एक जगह है इटली में, वहाँ का फिफ्थ ड्यूक था। उसकी शादी हुई थी लुक्रेजिया डी मेडिसी, ठीक है, जो कि ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की छोटी बेटी थी। और ये इसकी डेथ, इस लड़की लुक्रेजिया की डेथ हो गई सिर्फ 17 की एज में। ओके, और इसको जहर देके मारा गया था। नाउ 3 साल के बाद उसने, इसी अल्फोंसो ने फिर से शादी कर ली। किससे? काउंट ऑफ टैरोल की भतीजी बारबरा से फिर से शादी कर ली। ठीक है ना। नाउ और ये पोएम जो है ये रेनेसांस इटली का जो 16th सेंचुरी का जो टाइम है, इसकी सेटिंग जो है वो उस टाइम पीरियड की है। तो आपके, आपको मैं बता दूं, ये एक तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? देखिए, डायलॉग आपने सुना होगा, DIALOG, डायलॉग मतलब दो लोग बोलते हैं उसमें। मोनोलॉग मतलब मोनो मीन्स वन, इसमें एक लोग बोलेगा। देखिए, इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप जरा समझिए। तो इसका जो नरेशन का काम एक आदमी करता है, एक आदमी से रिलेटेड होता है वही बोलता है ना, नरेटिव का काम। और हम लोग को उस सिचुएशन का आइडिया मिल जाता है जिसमें पर्सन बात कर रहा होता है। और इसके अलावा हम लोग को एक पूरी की पूरी सिचुएशन का पता चल जाता है और हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि इस सिचुएशन के पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, इस सिचुएशन के पहले क्या हो गया हमको वो भी गेस कर सकते हैं उस पूरे के पूरे ड्रामेटिक मोनोलॉग से। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके मोटिव्स क्या हैं, मतलब वो क्या चाहता है, ये भी पता चल सकता है हम लोग को, ये भी रिवील होता है। ठीक है ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। जैसे कि मान लीजिए कि उसने पोएम के शुरुआत के 5-7 लाइनों में अपने आप की तारीफ की है। ठीक है, फिर जब हम पूरा पोएम का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम ये गेस कर सकते हैं, खुद से इन्फर कर सकते हैं कि हाँ यार, एक्चुअली ये चीज़ उसकी खुद वो तारीफ करने के लिए जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, मतलब वो इस लायक भी है कि नहीं है, वो कर तो रहा है अपनी तारीफ, मगर हम लोग ये गेस कर सकते हैं पोएम का पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कि हाँ वो मतलब ऐसा है भी कि नहीं है। ठीक है, द पोएट मेक्स यूज ऑफ कोलोक्वियल स्पीच। और हाँ, जब ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखता है तो पोएट जो इसमें है लोकल लैंग्वेज का यूज़ करता है, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इस ये उस लैंग्वेज का यूज़ करता है कि जहाँ का स्पीकर बिलोंग करता है, स्पीकर जिस जगह का रहने वाला है वो उसी की लोकल लैंग्वेज यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामेटाइज करता है, एग्जैक्टली उसी के कैरेक्टर को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो जब उसके कैरेक्टर को कॉपी करता है तो उसकी लैंग्वेज को भी कॉपी करनी पड़ती है। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो हमेशा सीरियस होता है, मतलब इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं होती है, हमेशा सीरियसली बात होती है इसमें। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। अब चलिए पोएम को शुरू करते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।